हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं एक व्लॉग लाई हूँ। मैं आपके लिए लाई हूँ एक वेट गेन टिप्स 4-6+ मंथ्स बच्चों के लिए। तो आइए अब हम वो देखते हैं, और इसके आगे भी मैं बहुत कुछ वीडियो लाने वाली हूँ। काफ़ी सारी मेरे पास DMs आए हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताना, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो मैं धीरे धीरे उन सब के बारे में, एक्चुअली मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है ना। और अभी भी आप देख रहे हो मैं नाइट में वीडियो बना रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12, देख सकते हैं आप 11:52 हो रहे हैं, राइट। तो बस जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। चलते हैं, उन वेट गेन टिप्स जो मैंने बनाई है वीडियो में उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों का अगर कम वेट है तो आप वो चीज़ जो मैं बताऊँगी आपको, आप ऐसा करके दे सकते हैं। मुझे, मैंने भी कभी दिया नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे भी किसी ने बताया था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और मॉम्स को भी ये चीज़ शेयर करूँ। तो आप लोगों का बच्चों का अगर वेट कम है तो आप लोग भी ये चीज़ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जो 6+ मंथ है ना, जिसका 6 कंप्लीट हो चुका है, 7 मंथ में बच्चा एंटर हो गया है, तो आप ये चीज़ को दे सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं उस रेसिपी को। तो गाइस, सबसे पहले हमें उसे बनाने के लिए चाहिए होगा बादाम, अखरोट, काजू और मखाना। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें पिस्ता ऐड नहीं किया है। देन आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसको अच्छा पहले गरम कर लो, उसके बाद उसे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है आपको, है ना। मीडियम फ्लेम पर रख के उसमें आप थोड़ा सा घी डाल देना, बिल्कुल मतलब कम ही घी डालना, ज़्यादा घी नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों को अभी हम ज़्यादा घी भी नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर इतना नहीं हमें बोलता है देने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें घी डालते हैं। अच्छा, जब वो गर्म हो जाए ना, तो उसके बाद आप उसमें मखाना ऐड कर लो, काजू, बादाम, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं। मैंने मखाना, अखरोट, काजू और बादाम ही मैंने इसमें ऐड किया है ना। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद में आप इसे लो फ्लेम पे ही, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, मीडियम फ्लो पे इसको अच्छे से सेक लेंगे। एटलीस्ट इसको 10 से 15 मिनट तक आपको अच्छे से इसको सेकना है ना। ये हल्का सा लाइट ब्राउन टाइप सा हो जाएगा, है ना, बादाम काजू आप देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का सा वो ब्राउन हो जाएगा, हमें तब तक इसको सेकना है। सेकने के बाद में आप इसको एक बर्तन में निकाल के रख देंगे ठंडा करने के लिए। आप एक मखाना लेके ऐसे तोड़ के देख सकते हैं, वो इजीली टूट जाएगा, वरना आप नॉर्मल मखाने को लेंगे तो वो ऐसे टूटेगा नहीं। तो आप समझ लेना कि आपका मखाना अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब 10 मिनट इसको ठंडा करने के बाद में हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको पीसना है। अच्छे से पीसने के बाद आप इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, मखाना जो है वो बिल्कुल पीस जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी लगता है कि कुछ नहीं पीसा है, तो आप इसे फिर से अच्छे से इसको पीस लीजिए। ये एकदम बारीक होना चाहिए, लाइक सेरेलेक बच्चों को देते हैं उस टाइप से होना चाहिए। इसी तरह से आप सभी मखाने को, सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही पीस लीजिए। और गाइज, याद रखिएगा, अपने बच्चों को आप स्टार्टिंग में 1/2 स्पून से ही स्टार्ट करें, एकदम से आप उसे 1 स्पून नहीं देना है। आपको
पहले देखना है आप स्पून वो बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, देन उसके बाद में आप उसे वन स्पून स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के उसको रख सकते हैं। ये मोस्टली 1 से 2 महीने तक ईजीली चल जाता है। तो गाइज़ आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ दीजिए। और गाइज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।